नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जीएनटी स्पेशल। वैसे तो देखिए, गुड न्यूज टुडे में हर रोज हमारी कोशिश यही होती है कि देश दुनिया के कोने कोने से खोजकर उम्मीद और अच्छाई से लबरेज खबरें आप सबके सामने लेकर आए, आपके दिन को बेहतर बनाया जाए। लेकिन कोई कोई दिन अपने साथ इतने प्यारे वाक्य लेकर उगता है जिसे आप तक पहुंचाने में जीएनटी पर हमें गर्व होता है और खुशी भी होती है। ऐसा ही एक वाक्य उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हुआ। कल दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक बच्चे का जन्म हुआ। अब आप ये सोचेंगे कि देश में हर रोज हजारों बच्चों का जन्म होता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इस बच्चे के जन्म की घटना खास इसीलिए है क्योंकि इसका जन्म एक भीड़ भरी सड़क के बीचों बीच हुआ। सुबह के कोई 7 बजे होंगे जब एक ग्रेटर नोएडा का एक शख्स अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर अस्पताल के लिए निकला। रास्ते में ऑटो में खराबी आ गई, गाड़ी बदलने के पूरा झमेला हुआ। उसी झमेले में बहुत सारा कीमती वक्त जाया हो गया। उधर महिला का लेबर पेन बेतहाशा बढ़ चुका था, इस कदर की दर्द से तड़पते हुए सड़क पर ही लेट गई। लेकिन ठीक उसी वक्त जिंदगी और मौत के बीच की उस डोर को थामने के लिए दो फरिश्ते उस सड़क पर पहुंचे। बीच सड़क किसी की मदद के लिए किसी का आ जाना आज के दौर में बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन कहते हैं ना कि मुसीबत में जो काम आए वो फरिश्ता होता है। आज हम आपको उन्हीं फरिश्तों के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। पहले जरा ये कहानी सुनिए और ये जानिए और समझिए कि कल सुबह 7 बजे ग्रेटर नोएडा की उस सड़क पर आखिर हुआ क्या। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी रोशनी के चेहरे पर अब चमक लौट आई है। ग्रेटर नोएडा की रोशनी को आज जिंदगी की सबसे बड़ी गुड न्यूज मिली है। किलकारियों का ऐसा प्यारा तोहफा मिला है जिसकी गूंज अब उसकी जिंदगी और उसके घर को खुशियों से सराबोर रखने वाली है। इस तोहफे के लिए रोशनी अस्पताल के स्टाफ और खासतौर पर उन दो सिस्टर्स का बार बार शुक्रिया अदा कर रही है जिनकी वजह से ये खुशी उसके हिस्से में आई है। थैंक यू बोल रही हूँ, हमारे लिए तो आज ये लोग भगवान ही बन के आए। दरअसल ये दोनों नर्स रोशनी की मदद के लिए उस वक्त पहुंची जब वो सड़क पर डिलीवरी के दर्द से जूझ रही थी। ये मामला ग्रेटर नोएडा के परी चौक का है। पिछले दिनों सुबह करीब 7 बजे होंगे जब प्रेग्नेंट रोशनी सड़क पर दर्द से तड़प रही थी। रोशनी की डिलीवरी होने वाली थी और उसका पति प्रशांत उसे अस्पताल लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ऑटो बदलने की वजह से कीमती वक्त जाया हो गया और रोशनी की हालत खराब होने लगी। लेबर पेन इस कदर बढ़ गया कि रोशनी सड़क पर ही लेट गई। रोशनी के पति ने आसपास मौजूद लोगों से मदद मांगी, लेकिन मामला डिलीवरी का था सो लोग मदद से कतरा रहे थे। दरअसल सवाल दो जिंदगियां बचाने का था, लेकिन ऐसे समय में अस्पताल पहुंचाना एक बात है और बगैर ट्रेनिंग और अनुभव के कोई खुद डिलीवरी करवाना दूसरी बात। इससे माँ और बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता था, लेकिन जिसका दुनिया में आना तय था भला उसे आने से कौन रोक सकता था, वो भी उसे जो दुनिया में आने के लिए अपनी माँ के साथ साथ खुद भी लगातार संघर्ष कर रहा था। इस सारे वाकये के बीच वहाँ से गुजर रही शारदा अस्पताल की दो नर्स ज्योति और रेनू की नजर सड़क पर जुटी भीड़ पर पड़ी। नर्स ज्योति और रेनू रोशनी को देखते ही मामला समझ गई। उन्होंने तुरंत रोशनी की मदद की और बगैर समय गवाए वहीं पर उसकी सुरक्षित डिलीवरी भी करवा दी। ऐसा सोच के हम गए, जब देखा तो पेशेंट वाकई में दर्द में थी। फिर हमने इनसे कहा कि आप कवर करिए, मैं देखती हूँ। इन्होंने जैसे ही उसको कवर किया पेशेंट को, हम लोगों ने तो सलवार उसका जो प्लाजो पहन रखा था वो निकाला तो बच्चे का हेड आ रहा था, मैंने रिसीव कर लिया बेबी को। उसके बाद में फिर हमने देखा कि अब हमारे पास तो क्वाड क्लंप के लिए कुछ है ही नहीं है बच्चे की अवल नाल काटने के लिए। फिर मैंने उसका प्लेसेंटा मतलब जो अवल नाल होती वो भी आउट किया, उसके साथ में बच्चे को एक कपड़े पे रख के भैया से मांग के कपड़े पे रखा, अवल नाल के साथ बच्चे को कवर किया। दोनों सिस्टर्स ने रास्ते में सुरक्षित डिलीवरी कर माँ और बच्चे की जान तो बचा ली थी, लेकिन ऐसी हालत में जच्चा बच्चा को तुरंत अस्पताल पहुँचाना भी जरूरी था। हमने वही डिलीवर करवाने के बाद में
फिर हमें मतलब पेशेंट के बच्चे का जो था वो प्लेसेंट आउट किया, प्लेसेंटा के साथ ही हम बच्चे को कवर करके फिर अपनी जॉकेट में उसको रख के लेके आए, और ये सिस्टर ने बच्चे को लिया मतलब मदर को और उसको उसमें ऑटो बुक किया हमने अपने पैसों से ही, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, जो उसका वो पति था उसके पास पैसे नहीं थे, हम लोगों ने ऑटो बुक करके और शारदा हॉस्पिटल ले गया। सड़क पर डिलीवरी करवाने के बाद रोशनी और उसकी बच्ची को अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल स्टाफ ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। हॉस्पिटल जब आए तो हमारा जो पूरा टीम है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनको पहले से ही खबर कर दी गई थी, तो वो पेशेंट का वेट कर रहे थे इमरजेंसी में, और जैसे ही पेशेंट पहुंची है तुरंत उसको हैंडल किया गया, उसको ड्रिप वगैरह लगाई गई, क्योंकि प्लेसेंटा निकला था तो प्लेसेंटा के कुछ बिट्स रह जाते हैं, मेम्ब्रेन्स रह जाते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, इसलिए पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है क्योंकि इस तरह की डिलीवरी हुई थी। तो उन्होंने सारे डॉक्टर्स ने मिलकर मैनेज किया, ये मेरी पूरी टीम है, इन लोगों ने सारे अच्छे से बहुत अच्छे से हैंडल किया। अस्पताल प्रबंधन ने भी इस शानदार काम के लिए दोनों सिस्टर्स को सम्मानित किया है। उधर रोशनी का परिवार भी दोनों नर्स और अस्पताल प्रबंधन का शुक्रिया अदा कर रहा है। हम तो सर बहुत घबरा गए थे, पता नहीं क्या होगा रास्ते में, फिर जब ये लोग मिले तब थोड़ा दिल में सुकून आया सर। कोई ये दलील दे सकता है कि महिला की जान बचाना दोनों नर्स का फर्ज था, लेकिन जिन हालात में उन्होंने ये फैसला लिया वो बड़ी बात थी। उन्होंने इंसानियत और अपने फर्ज को सबसे ऊपर रखा, जिसके चलते महिला और उसकी बच्ची को नई जिंदगी मिल गई। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, जिन्होंने कमाल का काम करके दिखाया है, जिनकी सराहना हर तरफ की जा रही है, वो दोनों नर्सेज हमारे साथ जुड़ गई हैं गुड न्यूज टुडे की टीम के साथ। ज्योति और रेनू, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही साथ नर्सिंग इंचार्ज शारदा हॉस्पिटल से, लेबर रूम से नज्म उस्मानी भी मेरे साथ हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ज्योति और रेनू, आप दोनों के पास मैं आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी, कहते हैं ना कि भगवान कब किस रूप में और स्वरूप में आप सबके सामने आ जाए आपको पता नहीं चलता, तो ये जो करिश्मा आपने करके दिखाया ना, इसकी पूरे देश में हर कोई सराहना कर रहा है, हर कोई तारीफ कर रहा है। सबसे पहले ज्योति, आप बताइए कि हुआ क्या था और वो क्या घटना थी जब आपको लगा कि अभी फिलहाल इस घड़ी में मुझे यहां पर इस महिला की मदद करनी है। जब तक हम दोनों स्टाफ ड्यूटी के लिए निकल रहे थे, परिचौक पर हम दोनों पहुंचे, वहां पर देखा कि लेबर पेन आ रहे हैं उसको, तो हम लोगों ने जाकर देखा जाके तो सच में उसको लेबर पेन आ रही थी, पेशेंट लेटी हुई थी, तो हमने पहले उसको कवर कर लिया, कवर करके फिर देखा तो कपड़े थोड़े हटा के उसके देखे तो उसका बच्चे का हेड आ रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि ये ना हॉस्पिटल तक पहुंचे, इसलिए हमको डिलीवरी इसकी यही करानी है जी। तो हम लोगों ने फिर उसकी डिलीवरी वहीं पर कराई, दोनों लोगों ने डिलीवरी करा के प्लेसेंटा जो अवल नाल होती है उसको भी मैम आउट करवाया, हमने आउट करवा के जो हमने जैकेट हम लोगों ने पहन रखी थी उसको निकाल के बच्चे को कवर किया, उसी में प्लेसेंटा लिया, उसको लेके कवर करके दोनों, और फिर जो स्टॉल वगैरह कवर करेगी उससे मदर को भी ले वो किया, मदर का वो उसके बाद फिर हमने ऑटो बुक किया, तो भैया जो थे उन्होंने ये बोला कि सिस्टर हमारे पास पैसे वगैरह कुछ नहीं, तो उसके लिए बोला कि भैया आप पैसों की टेंशन मत लो, हम लोग हैं आपके साथ, तो इस वजह से फिर हमने ऑटो बुक करके फिर हम उनको हॉस्पिटल के लिए शारदा हॉस्पिटल के लिए लेके जा रहे थे। रास्ते पे तब हमने अपने स्टाफ को अपने इंचार्ज वगैरह सबको कॉल करके बोला कि ऐसे डिलीवरी हो गई है रास्ते में, तो हम लोग पेशेंट और मदर दोनों बच्चे को लेकर आ रहे हैं, तो हमारी मैम इंचार्ज मैम सबने रेडी करके रखा, पीडिया वगैरह और जो गायनी के डॉक्टर थे सभी लोग रेडी थे इमरजेंसी में जी। रेनू, देखिए सबसे अच्छी बात और सबसे बेहतर बात ये कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, दोनों की सेहत बिल्कुल ठीक है ना। ऐसी जब भी सिचुएशन आती है, आई एम श्योर कि आपने बहुत सारी डिलीवरीज की होंगी, ऐसे केसेस आपने देखे होंगे, लेकिन ऐसा केस जब सड़क पर ये डिलीवरी आपको करवानी पड़ी विदाउट एनी मेडिकल इक्विपमेंट और हेल्प, और जिसकी तारीफ ऑफ कोर्स हो रही है, तो आपके दिमाग में उस वक्त रेनु क्या चल रहा था कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी था? मैम सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि हमें ये लगा बस हमें मैं कर जाऊंगी और मुझे बच्चा और माँ दोनों को सेफ रखना है उस टाइम पे, तो मुझे ऐसा लगा ना कि बच्चे को अगर मैं प्लेसेंटा से अलग कर दूंगी तो बच्चा हाइपोथर्मिया में चला जाएगा, मतलब बच्चे को ठंड लग सकती है, इसलिए मुझे जो ठीक लगा वहां पे कि बच्चे को प्लेसेंटा के साथ रखेंगे और कवर करेंगे, उनके पास अच्छे से कपड़े नहीं थे, मैंने अपनी जैकेट उतारी, अपने जैकेट में बच्चे को कवर किया, ऑटो भी बुक की हम लोगों ने, मैम बहुत अच्छा लगा हम लोगों को।
अच्छा मुझे ये बताओ, वहाँ आई एम श्योर कि भीड़ बहुत ज्यादा होगी, है ना? वो सड़क सड़क थी जहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, और ऐसी सिचुएशन जब सामने आती है तो पेशेंट की प्राइवेसी की हम बात करते हैं, और महिला थी जिनको प्रसव पीड़ा हो रही थी, तो लोगों को कैसे आपने मैनेज किया और कैसे कवर कैसे किया, वो क्या हुआ उस टाइम पे? लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे कि क्या हुआ क्या, हमने कहा आप लोग सब लोग दूर हो जाइए, हम दोनों लोग देख लेंगे, हम शारदा हॉस्पिटल के लेबर रूम की ही स्टाफ है, हमें आता है कि कैसे डिलीवरी करवानी है, हम कर लेंगे, हम देख लेंगे। आप लोग बोले, लोग पूछ रहे थे कि चच्चा बच्चे ठीक है या नहीं डिलीवरी के बाद, हमने कहा जी चच्चा बच्चे दोनों ठीक है, मैंने सेफली डिलीवरी करवा दिया है, आप लोग टेंशन न लीजिए। हमारे पास जो स्टॉल था जो हमने डाल रखा था साइड में, हमने उसी से प्राइवेसी दी थी, और उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं था वहाँ। ज्योति, आप मुझे ये बताओ कि ऐसी सिचुएशन जब आती है, जब आपने डिलीवरी करवा दिया, तो उसके बाद इन्फेक्शंस वगैरह का खतरा भी होता है, उसके बाद आप जब उनको हॉस्पिटल लेके गए तो वो वक्त कितना था, कितनी देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गए? आपने बताया कि आपने ही ऑटो भी किया, उनके पास पैसे भी नहीं थे देने के लिए, ये भी आपने मदद की उनकी? आप इतना फास्ट ऑटो चला लो, बाकी आई कार्ड मेरे पास है शारदा का। जैसे हम लोग एंट्री किए गेट पे, मैंने उनसे कहा भैया मैं यहाँ की लेबर रूम की स्टाफ हूँ, ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ है परिचोक पे, प्लीज आप हमें जल्दी जाने दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है सिस्टर आप जाइए तुरंत ही। उन्होंने भी बहुत कॉपरेट किया था मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा था कि पहले हमारा इतना मीडिया, हॉस्पिटल, बाकी डॉक्टर्स और शारदा हॉस्पिटल के ओनर सर, ये सब लोग हमें हमें उस टाइम पे हमें ये कुछ भी दिमाग, हमें बस यही दिमाग में कि हमें बच्चे और माँ दोनों को मैं पहुंचा सकती हूँ हॉस्पिटल तक। ये जो स्माइल है ना आपके चेहरे पे, ये बड़ी कमाल की है, ये मुझे भी खुश कर रही है और पूरे देश को भी, आप दोनों ने खुश कर दिया है, जो काम आपने किया है ना वाकई सराहनीय है। नज्म उस्मानी जी भी मेरे साथ है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि देखिए आज जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा योजना जैसी तमाम स्कीम्स के जरिए गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के लिए जरूरी मदद देने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ये हम सभी जानते हैं। असिस्टेड डिलीवरीज की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है, ये भी हम समझ जाते हैं। अब शहर की बात कर लें या फिर गांव की बात कर लें, ज्यादातर महिलाएं जो हैं वो डिलीवरीज के लिए अस्पताल पहुंच जाती हैं। शायद यही वजह है कि जच्चा बच्चा मृत्यु दर में लगातार गिरावट भी हुई है, लेकिन इतने बड़े देश में इस तरह की इमरजेंसीज अक्सर बहुत कम देखने को मिलती हैं। ऐसे में मेडिकल फैसिलिटीज से बाहर डिलीवरी करवाना ट्रेंड प्रोफेशनल्स के लिए भी एक चैलेंज हो सकता है, क्या लगता है आपको? जी मैम, देखिए ऐसे बाहर नज्म जी मेरा सवाल था आपसे। जी मैम, एक बार प्लीज थोड़ा सा आप सवाल दोहराएंगे? जी, मेरा सवाल ये था कि देखिए बहुत सारी मेडिकल इमरजेंसीज हम देखते हैं, लेकिन ये जो केस आया है ना, ये रेयर केसेस में हम इसको काउंट करेंगे, तो ऐसे में आपको क्या लगता है? पहले तो इन दोनों की सराहना करनी चाहिए, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। विदाउट एनी मेडिकल हेल्प ऑन द स्पॉट, दे हैव हेल्प डिलीवरिंग द बेबी, ये अपने आप में बड़ा काम है। तो ये केस आप कैसे देखती हैं? जी हाँ जी, बिल्कुल, ये एक बहुत ही मतलब सराहनीय कार्य मतलब मेरी सिस्टर्स और शारदा हॉस्पिटल की सिस्टर्स ने किया है, जिसके लिए मतलब मैं भी बहुत खुश हूँ कि मतलब जो मेरा स्टाफ है और शारदा हॉस्पिटल के जो स्टाफ है, उन्होंने ये सब किया है। तो मैं चाहूंगी कि ऐसे और भी मतलब हमारे जो भी नर्सेस हैं या सारे ही लोग हैं, वो इस तरीके से अगर कोई इमरजेंसी है या कोई, ये तो डिलीवरी था, मतलब अगर और भी कोई पेशेंट मतलब है तो हम उनकी मदद कर पाए, क्योंकि हम नर्सेस हैं तो हमारा सबसे पहला काम तो यही होता है कि जो भी कोई पेशेंट है या कोई भी मतलब जो भी बीमार है या कोई भी है तो हम उसकी मदद करें, और हम यही अपना नर्सेस को भी सिखाते हैं और बताते हैं। और ये तो शारदा हॉस्पिटल की सिस्टर्स थी तो काफी उन्होंने अच्छा मतलब काम किया, एक जो जिसको जरूरत थी रियल में कि वहां पे कोई उसकी मदद कर सके, एक पे जो एक महिला मतलब जो मदर जो लेटी हुई थी जमीन पे, वहां पे जो मेरी सिस्टर्स बिना कुछ भी सोचे समझे, बिना उनको मतलब कुछ भी ये कि हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है या हमारे पास कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने वहां डिलीवरी कराई और बहुत ही हिम्मत के साथ, मतलब उन्होंने उस टाइम उनके जो डिसीजंस थे वो बहुत सही थे कि नहीं हमें इनकी हेल्प मतलब करना चाहिए, उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके आए और हमारा शारदा हॉस्पिटल मतलब
बिल्कुल इस चीज के लिए रेडी थे सारे डॉक्टर्स, क्योंकि सिस्टर ने कॉल कर दिया था कि बच्चे, माँ और बच्चा दोनों जैसे ही आए, ताकि बच्चे को भी, क्योंकि वहां से यहाँ तक लेके आना ऑटो में लेके आ रहे थे, ताकि उसको कोई मतलब बच्चा हाइपोथेरेमिया में ना चला जाए, मदर को कहीं कोई जैसे ज्यादा ब्लीडिंग ना हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने पहले ही कॉल किया था। तो हमारे गायनी के जो डॉक्टर्स थे या जो हमारे पीडियाट्रिशियन थे वो हमारे अवेलेबल थे, और माँ और बच्चा दोनों ही बहुत मतलब ठीक है अभी दोनों। वो पंजाबी कहते हैं कि जच्चा ते बच्चा दोनों ठीक ठाक ने, दोनों जी बिल्कुल जी। बहुत ही शुक्रिया आप तीनों का इस पूरी बातचीत के लिए। आई एम श्योर कि आप सभी के लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पर उभरी हैं, और आपने जो किया है उसको हम सभी सलाम करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।